हेलो ट्विंकल, गुड मॉर्निंग। आवाज़ जा रही है? हेलो हेलो ट्विंकल, गुड मॉर्निंग। आवाज़ जा रही है? आप सुन पा रहे हो? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। क्या क्वेश्चन है आपका? जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाएगा तो गुणनफल क्या होगा? यस सर। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अगर आप माइनस और माइनस का सेम साइन होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? प्लस आता है। अपोजिट दस साइन का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? माइनस आता माइनस है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। आप देखो कि अगर माइनस माइनस को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? प्लस प्लस आएगा। लेकिन अगर आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस क्यों? क्योंकि 2 बार होगा तो प्लस आएगा। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। इस तरह से अगर आप -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो -1 से, और कितनी बार कर रहे हो? 100 बार। तो 100 बार अगर आप करोगे तो ये इवेन नंबर में आएगा। इवेन नंबर का मतलब आप समझ रहे हो? इवेन यस नंबर का सर। मतलब है कि ये 2 बार होगा तो 1 आएगा। -1 × -1 कितना आएगा? 1 आएगा। तो अगर आपका जो माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है ये अगर इवेन बार होगा तो क्या आएगा? प्लस होगा। और अगर इवेन का मतलब अगर ये सम संख्या से सम बार किया जाएगा, जैसे 2 बार, 4 बार, 6, 8, ये सब सम संख्याएं हैं, अगर इतनी बार गुणा होगा तो इसका चिन्ह प्लस आएगा। और अगर ये विषम बार होगा, जैसे 3 बार, 5 बार, 7 बार, तो ये क्या आएगा? माइनस आएगा। तो आपको जो 100 दिया गया है, 100 क्या होता है? सम संख्या होता है। इसका मतलब -1 को अगर आप 100 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस 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 सब मिल के लास्ट में क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। और 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। अगर यही आपको दिया होता 99 बार गुणा होगा तो 99 क्या है? विषम संख्या है। तो इसका मतलब है तब आंसर आपका क्या होता? -1 होता। आया समझ में? क्लियर यस सर। यस हो गया अच्छे से आपको? बताइए जहाँ डाउट हो। सर। यस सर। थैंक यू सर। ओके, और कोई क्वेश्चन पूछना आपको ट्विंकल? नो सर। ओके, क्वेश्चन करिएगा जहाँ डाउट होगा बताइएगा, ठीक है? अगर आपको अच्छे समझ में आया होगा तो रेटिंग कर दीजिएगा। थैंक यू।